अगर आपका बिजनेस है, वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है, तो इसके लिए आप एक प्रोफेशनल और एचडी लोगो कैसे बनाएंगे। सुबह आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप फ्री में एचडी लोगो कैसे बनाएंगे अपने वेबसाइट के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए या आपको कोई बिजनेस है उसके लिए आप कैसे एक प्रोफेशनल और एचडी लोगो बनाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फोन से। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Shut up and sit down. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आके ओपन हो सकते हैं या आपको प्ले स्टोर से पिक्सआर्ट फोटो एडिटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा ओपन का। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए कि ये 500 मिलियन ये डाउनलोड है, तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया और कितना शानदार ये एप्लीकेशन है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो ओपन वाले पे क्लिक करेंगे। ओपन होते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ क्रिएट एन अकाउंट है, इस पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं या गूगल या फेसबुक से भी आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं, या अगर अकाउंट बनाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ स्किप का ऊपर में ऑप्शन है, इस पर स्किप वाले पे क्लिक करके आप यहाँ इससे बाहर आ सकते हैं। स्किप वाले पे क्लिक करते यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, आप परमिशन के अलाव देंगे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अपना जो है लोगो बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे आप देखिएगा कि यहाँ पे कलर बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इसमें आपको ढेर सारा कलर मिल जाता है। आप जो भी कलर में लोगो बनाना चाहते हैं वो इसमें से चूज कर लेंगे, या यहाँ पर कलर पिकर है, इस पर क्लिक करके कलर पिकर में से भी आप इसमें कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम बैक आएंगे और मैं इसमें से एक कलर चूज कर लेता हूं, जैसे मैं यहां पे ये वाला कलर चूज कर लेता हूं। चूज करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहां पे ये आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाता है। आप इसमें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा टाइम देंगे तो इसमें के जितने फंक्शन हैं वो बहुत ही आसानी से आप इसमें आप सीख सकते हैं। मैं आपको सिंपली बताने वाला हूं कि आप जो है लोगो कैसे तैयार करेंगे अपने यूट्यूब के लिए, अपने बिजनेस के लिए या आपका कोई भी वेबसाइट है उसके लिए। सिंपली यहाँ पर दिख रहे हैं टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट वाले पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे आप अपने क्या चीज़ के लिए अपने लोगो तैयार करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मेरा चैनल है यहाँ टाटा चैनल, या आप जो भी चैनल, जैसे आपको कोई जून चैनल है या कोई और चैनल है, तो इस तरीके से यहाँ पर अपना चैनल का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताजा, इस तरीके से मैं यहाँ पर ताज़ा खबर लिख दिया। यहाँ राइट वाले पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आप लिखावट है इसको आप इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हैं, इस तरीके से जितना भी बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम में रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आपको ढेर सारा फ्रंट है, यहाँ पर देखिए कि आप जो भी फ्रंट में रखना चाहते हैं इस फ्रंट को आप इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से कर्सर घसकाएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट होता जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका फ्रंट यहाँ पे चेंज होता जा, सो यहाँ पे आप जो भी फ्रंट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ फ्रंट चूज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये रहने देता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको रहने दूंगा। और सिंपली अगर आप इसमें से कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर आपको पसंद है उस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोक देना चाहते हैं स्ट्रोक वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है इसका स्ट्रोक इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। कलर देने के इसमें आपको ढेर सारा और कलर मिल जाता है, यहाँ तो कलर है सिंपली कलर है। यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक करें, यहाँ पर देखिए दो कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कोई और कलर डाल सकते हैं। यहाँ रेड वाले पे क्लिक करेंगे ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लूँगा, ओके करूँगा। यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ कलर सेलेक्ट हो चुका है। टेक्सचर पर जाके और भी आपको यहाँ पे टेक्स कलर का मिल जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ऑप्शन इस तरीके से है। तो टेक्सचर पर जाके आप टेक्स कलर को इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या प्लस वाले आइकन पर जाके आपको इसमें से जो गैलरी वगैरह में से इसमें ला के सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम बैक आ जाएंगे, यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन है, स्ट्रोक आप इसमें से है छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं।
इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके इधर आएंगे, यहाँ पर शेडो वगैरह है, बैंड है, अगर बैंड करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे और जितना बैंड करना चाहते हैं इस तरीके से आप जो है अपने लोगों को इस तरीके से बैंड कर सकते हैं। चलिए मैं सिंपली यहाँ पे नॉर्मली रहने देता हूँ। इस तरीके से इसमें आपको ढेर सारा फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से राइट वाले पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें से आप आधा घंटा टाइम देते हैं तो जितना भी है इसमें से आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको आप सीख जाएंगे, ठीक है। फोटो वगैरह लगाना चाहते हैं तो एड फोटो पे क्लिक करके आप इसमें फोटो वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ टूल्स वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारा फ्रंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं शेप क्रॉप पे क्लिक करूँगा, इसमें से आप जो भी रखना चाहते हैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरीके से घंसका सकते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे, एरो के ऊपर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको है शेडो भी दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं देना है सिंपली बैक कर देंगे। और शेडो का कलर भी इसमें से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप शेडो देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए शेडो में कलर आ चुका है, इस तरीके से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ सेव वाले पर क्लिक करके आप जो इसको गैलरी में सेव कर लेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये जो है अब गैलरी में यहाँ पर देखिए सेव टू योर फोन गैलरी, मतलब आपका जो है फोन गैलरी में सेव हो चुका है। इस तरीके से हम बैक आएंगे, आने के बाद मैं आपको एक और बता देता हूँ किस तरीके से जो है आप दूसरा लोगो तैयार करेंगे। तो इस तरीके से इसमें से कोई भी कलर चूज करें, जैसे मैं इस बार इस कलर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कलर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ये कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। आप इसमें आधा घंटा टाइम देते हैं तो आपको बहुत ही इजीली से पूरे फंक्शन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है लोगो दूसरा में कैसे तैयार करेंगे। तो इस बार मैं यहाँ पे जूम डाल देता हूँ, जूम इस तरीके से आप जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जूम डाल दिया, यहाँ राइट वाले पे क्लिक करूँगा, क्लिक करते यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो चुका है। इस तरीके से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, मोटा इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट है ढेर सारा फ्रंट, इसमें से कोई फ्रंट को आप इस तरीके से कर्सर घसकाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं मैं घसका रहा हूँ, ये सेलेक्ट हो रहा है। तो आपको जो भी है इसमें आपको भर भर के मिल जाता है, जो भी आपको पसंद है ऐसे ही घसकाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं ये वाला रहने देता हूँ, यहाँ पे कलर वाले पर क्लिक करूँगा और इसमें आप जो भी कलर देना चाहते हैं इस तरीके से कलर वाले पर सेलेक्ट करके आप कलर कर सकते हैं। ग्रेडियंट पर क्लिक करके दो कलर का कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हैं, कलर को चेंज करना है इस तरीके से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। राइट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ इस वाले कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस बार ये वाला कलर और यहाँ मैं राइट वाले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो चुका है। चलिए कुछ सेम सेम लग रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरीके से रेड और यहाँ मैं ओके करूँगा। यहाँ पर देखिए दो कलर आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी कलर को इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करके यहाँ टेक्स्ट वगैरह इसमें आप जो है गैलरी से फोटो डाल सकते हैं। स्ट्रोक वाले पे क्लिक करके यहाँ पे स्ट्रोक दे सकते हैं, इस तरीके से मोटा पतला स्ट्रोक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे भर भर के ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बैंड वगैरह का ऑप्शन है, इस तरीके से बैंड कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने लोगों को इस तरीके से बैंड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल ही रहने देता हूँ, इस तरीके से मैं बैक आऊँगा। बैक आने के बाद सिंपली क्या करूँगा, यहाँ राइट वाले ऊपर देख रहे हैं ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। मैं क्लिक करते ही ये जो है आपको जो लिखे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रॉल डाउन करके इधर साइड में आएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि टूल्स का ऑप्शन है, इस पर टूल्स वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाते हैं, आप आधा घंटा टाइम देते हैं तो आप इसमें जितने फंक्शन हैं वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। क्रॉप वगैरह करना तो यहाँ क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए सिंपली हम यहाँ पे शेप क्रॉप पे क्लिक करेंगे और मैं इसको शेप दे देता हूँ। तो इसमें से आप कोई भी शेप देना चाहते हैं इस पर क्लिक करके इस तरीके से छोटा बड़ा करके इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप जैसे घसकाएंगे इस तरीके से वो इस तरीके से जो है ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर देखिए ये होता रहेगा। जितना बड़ा भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आप अपने हाथ को रख करिएगा, इस पर रख के यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से आपको होता रहेगा। इस तरीके से आप जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं इस तरीके से आप रख सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारा मिल जाता है, इस पर सिर्फ क्लिक करना है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए हम सिंपली नॉर्मल रहने देते हैं, तो यहाँ पर सर्कल वाले पर क्लिक कर देंगे। इसको आप जितना बड़ा भी करना चाहते हैं, जितना छोटा करना चाहते हैं इस तरीके से आप छोटा
बड़ा कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे इतने साइज में रहने देता हूँ, यहाँ पे एरो वाले पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप साइज यहाँ पे दे सकते हैं, इसको मोटा पतला आप कर सकते हैं। इसमें से कलर भी आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको रखना है। इसमें आपको भर भर के कलर मिल जाता है, जो भी कलर रखना है इस पर कलर वाले पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और इसको यहाँ पे साइज को आप जो है इस तरीके से मोटा पतला कर सकते हैं। चलिए सिंपली हम यहाँ इस बार यहाँ पे इतना साइज रहने देता हूँ, यहाँ सेव वाले पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते यहाँ पे आपका ये सेव होगा और यहाँ पे जैसे ऑप्शन सेव हो जाता है, एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका यहाँ पे देखिए कि आपका जो गैलरी में ये सेव हो चुका है। सो इस तरीके से आप जो है अपने वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस में, अपने यूट्यूब चैनल के लिए आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ से आप जो है लोगो तैयार कर सकते हैं अपने मनपसंद से, वो भी HD में फ्री। तो ऐसा शानदार तरीका आपको पूरे YouTube पे देखने को नहीं मिला होगा। मैं आपको इसमें पूरे फंक्शन बता दिया हूँ कि किस तरीके से आप जो है लोगो तैयार करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन से HD लोगो बनाएंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।